सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, हम खेलने वाले हैं GTA 5। तो गाइस यार, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखा होगा, तो गाइस यार आप लोगों को पता हो कि हमने यार काफी ज्यादा एक बड़ी ज्वेलरी शॉप में चोरी करी थी, जिससे कि यार माइकल के पास $100 मिलियन और आ गए थे। और यार अब यार माइकल के पास टोटल $150 मिलियन है, लेकिन यार $150 मिलियन में यार एक शोरूम तो आ ही जाएगा। तो यार अभी देखते हैं क्या सीन है। बाकी यार जो पैसा था वो मतलब 3-4 लोगों में बढ़ चुका था, जितनी भी हमने ज्वेलरी की चोरी करी थी। और यार सबसे ज्यादा जो पैसा वो लेसर के पास गया था, क्योंकि यार लेसर का ही प्लान था। तो यार आज सबसे पहले तो यार मैं देखने जा रहा हूँ एक तगड़ा शोरूम, क्योंकि यार एक शोरूम लेंगे, फिर उसके बाद अपनी खुद की गाड़ियां रखेंगे, और यार एक मतलब बंदा भी रखेंगे जो कि यार हैंडल कर सके इन सब मतलब शोरूम वोरूम को, और अपना खुद का एक बिजनेस करेंगे बहुत ज़्यादा तगड़ा। ओके गाइस यार, तो अब जल्दी से मैं यहाँ से उठता हूँ, और पहले जल्दी से मैं निकलता हूँ एक शोरूम को देखने के लिए। तो गाइस यार, वैसे तो यार माइकल का एक दोस्त है जिसका खुद का एक शोरूम है, उसने यार माइकल को सजेस्ट किया है कि यार ये वाला एक शोरूम देख के आओ। तो गाइस यार अभी जल्दी से मैं वहाँ पर जाता हूँ और एक शोरूम देख के आता हूँ जो माइकल के दोस्त ने सजेस्ट किया है। बाकी यार अगर वो शोरूम ठीक हुआ तो वो उसे ले लेंगे, बाकी इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस यार अभी जल्दी से मैं यहाँ से निकलता हूँ। जो माइकल का दोस्त है ना, वो भी यार काफी बड़े एक डीलरशिप है। ओके तो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलता हूँ। सर तो यहाँ पर बाहर तो आ चुके हैं। नहीं 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 यार, ये वाली गाड़ी तो नहीं लेके जाऊंगा मैं। तो क्या सर, आप लोगों को पता हो क्या, हमारे पास एक खुद की लैम्बोर्गिनी खरीद रखी हमने। ओके तो यार भाई साहब, बस इसी के खरीदने के पैसे थे उस टाइम पे, लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा पैसे आ चुके हैं। तो गाइस अभी जल्दी से मैं यहाँ से आगे तरफ निकलता हूँ। ओके तो बाकी तो अपनी लैम्बोर्गिनी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लग रही है। और गाइस यार आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखो तो गाइस यार आप लोगों को पता होगा कि मतलब हमने अपनी लैम्बोर्गिनी में पूरी पूरी बुलेट प्रूफ करा दी थी और पूरी आर्मर्ड करा दी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ी बात है। ओके जो यार माइकल का दोस्त है ना, उसने मेरे को लोकेशन बताई है जो शोरूम है वो तुमको बीच में मिलेगा, लेकिन यार अभी तक उसने ये नहीं बताया कि कितने का मिलेगा, कितने का नहीं मिलेगा। तो अभी जल्दी से मैं यहाँ से निकलता हूँ और देखते हैं क्या शोरूम। तो बाकी तो यार आज जो है काफी कम ट्रैफिक देखने को लग रहा है मेरे को। अगर हमने वो शोरूम खरीद लिया तो यार सबसे पहले तो गाड़ी इम्पोर्ट करानी पड़ेगी। यार सबसे ज्यादा चीपेस्ट गाड़ी तो आप लोगों को पता है कि लिबर्टी सिटी मिलती है, लेकिन यार लिबर्टी सिटी जाना और वहां से आना काफी ज्यादा खर्चा हो जाएगा। एक अपना प्राइवेट जेट भी होना चाहिए, उसके लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर मतलब प्राइवेट एक प्लेन भी होना चाहिए, जिसमें से हम यार गाड़ी को लोड करके जा सकते हैं और लोड करके ला सकते हैं। और भाई मैं अपनी गाड़ी को इतनी धीरे क्यों चला रहा हूँ भाई, अब रिपेयर करा लेंगे खूब पैसा भाई, तेज चलाऊँ वजह से। ओके तो यहाँ पर भगा के लेके चलते हैं और बिल्कुल भी देरी नहीं करते। ओके जैसा कि आप लोग सामने तरफ देख पा रहे हो, मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते जा रहा हूँ सीधा उसी शोरूम में, और यहाँ से अपने को राइट लेना है। और सामने की तरफ ही मेरे को शोरूम तो दिख रहा है, लेकिन भाई साहब ये लोकेशन कैसे है यार, यहाँ पर ट्रेन की पटरियाँ भाई क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रही है। ट्रेन की पटरियाँ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सामने की तरफ आप लोग देख पा रहे हो कितना बड़ा मतलब बीच दे रखा है यहाँ पर। ओके तो ओ भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही हमारे शोरूम है। ओ भाई साहब कितना ज़्यादा बड़ा है भाई, ये आप लोग देख ही पा रहे होंगे, इतना ज़्यादा बड़ा शोरूम भाई भाई। तो यार मैं अपनी गाड़ी को मिनट के लिए है पार्क करता हूँ, और भाई अंदर जाके देखना पड़ेगा, इतना ज़्यादा बड़ा है भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा, आप लोग देख ही पा रहे हो भाई साहब। अभी जाके अंदर देखते हैं क्या प्राइस है इसका, और यार अभी पता करना पड़ेगा। और गाइस यार अभी जल्दी से मैं अंदर की तरफ निकलते हैं यहाँ से, और यार शोरूम तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लग रहा है, आप लोग देख ही पा रहे हो। ओ भाई इतना ज़्यादा बड़ा है भाई ये, ओके तो उधर उधर तक भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और आप लोग ये वाला एरिया देख ही पा रहे होंगे, मतलब मुझे लग रहा है यार ये वाले एरिया में ना मतलब गाड़ी वाड़ी की मॉडिफिकेशंस होती होंगी, या गाड़ी वाड़ी को पार्ट्स वार्ट्स रखे हुए चेंजिंग वेंजिंग होती होगी, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा सही बात है। ओके तो ये वाला सेक्शन तो पूरा ये इसी घेरे में कवर हो रखा है। ओके तो यहाँ से आगे तक निकलता हूँ, और भाई साहब यहाँ पर कोई बैठे नहीं है भाई, पता नहीं क्या सीन है। ओके थोड़ा आगे तरफ और चल के देता हूँ और देखते क्या सीन है। बाकी यार यहाँ पर खेलने वेलने का भी अच्छा खासा बना रखा है, एट बॉल पूल बना रखा है यहाँ पर खेलने के लिए। ओके तो अभी जल्दी से मैं यहाँ से आगे तरफ और निकलता हूँ और देखते क्या कहाँ पर है भाई इसका जो मैनेजर है, क्या कोई भी काम वाम करने वाला है। ओके तो यहाँ ओ भाई, ओके तो यार ये तो शटर ओपन हो चुके हैं। ओ भाई भाई तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा सीन बना रखा है, यहाँ से अपनी गाड़ियाँ आ जाए करेंगी और यहाँ पर खड़ी होकर मतलब जो भी मॉडिफिकेशन होती होंगी वो हो जाएगी, और आगे की तरफ आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ बिकेंगी। ओके बाकी यार बार बार भी अच्छा खासा स्पेस दे रखा है। तो कैसे अभी जल्दी से मैं बात करता हूँ इसके मैनेजर से, कहाँ पर है भाई, हेलो कोई है भी भाई यहाँ पर। ओके तो सामने की तरफ मेरे को एक बंदा तो दिख रहा है, और भाई साहब इतने बड़े शोरूम में बस एक बंदा बैठा हुआ है, मतलब भाई साहब हद ही मचा रखी है। तो कैसे जल्दी से मैं इससे बात करता हूँ और देखते क्या सीन है क्या नहीं है। तो भाई सर मेरी इस बंदे से तो बात हो चुकी है, और ये बंदा कह रहा है कि यार यहाँ पर तो मैनेजर है नहीं, और यहाँ पर मैनेजर होता भी नहीं है। तो सर इसने मेरे को अभी प्राइस बताया इसके, तो भाई सर आप लोग प्राइस सुन के हैरान हो जाओगे, इसके प्राइस है मतलब $350 मिलियन। मतलब भाई यार इतना बड़ा शोरूम है, और यार कुछ तो कम करने चाहिए थे, मतलब माइकल के दोस्त ने यहाँ पर सजेस्ट किया था, तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई साहब इतने ज़्यादा पैसे मतलब, और हमारे पास आप लोगों को पता है कि
$150 मिलियन है और इस शोरूम का प्राइस है 350। मतलब यार काफ़ी ज़्यादा तगड़े यहाँ पर सीन हो चुका है, तो अभी जल्दी से निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो यार ये जो शोरूम है लेने का तो मन था, लेकिन यार ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है। अब यार कोई और भी हमको रोबरी करनी पड़ सकती है इस शोरूम को लेने के लिए। ओके तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी यहाँ से मैं जल्दी से आगे तरफ निकलता हूँ। ओके ओके तो यहाँ पर अपनी गाड़ी किधर की तरफ खड़ी थी, ओके तो गाड़ी वहाँ खड़ी है। तो गाइस यार अब तो यार कोई सीन नहीं बन रहा है इस शोरूम खरीदने का, अब हमको यार कोई और शोरूम देखना पड़ेगा, क्योंकि यार ये जो शोरूम है काफ़ी ज़्यादा महंगा है और अपने बजट के बाहर है। तो गाइस यार अभी मतलब फ्रैंकलिन के पास भी इतना पैसा नहीं है, अगर मैं फ्रैंकलिन से भी उधार लेता हूँ तो यार उसके पास भी इतना पैसा नहीं है कि हमारे पास $350 मिलियन हो जाए। बट अभी कोई बात नहीं, अब देखते हैं क्या सीन होता है। तो सर अभी मैं दूसरा शोरूम भी देखने के लिए जाता हूँ, अभी यार ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और यार ये मतलब पैसा भी छोड़ते हैं। और यार ये जो था ना मतलब शोरूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी था, मतलब आप लोग देख पा रहे हो मतलब यार पूरा मतलब एक तरीके बीच पे था और व्यू भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा आ रहा था। तो वैसे आप जल्दी से मैं यहाँ से निकलता हूँ और अपना सेकंड शोरूम देखने के लिए चलते हैं, अब देखते हैं क्या सीन होता है। ओके तो अपनी गाड़ी को यहाँ से तेजी से भगाते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते भाई साहब, जी साइड हट जाओ नहीं तो उड़ा दिया जाएगा। तो वैसे अभी यार फ्रैंकलिन की मेरे पास कॉल है और फ्रैंकलिन कह रहा है कि उसका एक दोस्त था पहले, बहुत ही पहले उसका एक दोस्त था, लेकिन यार अब उसने एक पार्टी रखी है और उसमें काफ़ी ज़्यादा तगड़ी तगड़ी कार्स भी आ रही हैं। तो वैसे यार ये जो दोस्त है ये इसका मतलब एक तरीके से दोस्त नहीं कह सकते, एक तरीके से इसका दुश्मन है। तो यार फ्रैंकलिन कह रहा है कि जल्दी से जल्दी आ जाओ, और ये इस जो इसका दोस्त नहीं वाला मतलब दोस्त नहीं कह सकते दुश्मन एक तरीके का, जो इसका ये दुश्मन है इसको अच्छी तरीके से ठिकाने लगा रहा है, क्योंकि यार इसने इसके मतलब फ्रैंकलिन ये बोल रहा है कि पहले मतलब कहीं पर जॉब कर दे तो इसने इसको धोखा देकर जॉब से निकलवा दिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा सीन है भाई साहब। मतलब फ्रैंकलिन को जॉब से निकलवा दिया था इसने, अब ये गया भाई यार ये इसकी ऐसी की तैसी। अब भाई ये जाम कैसे लगा रखा है भाई इतना, अब भाई ये ना रुको 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 तुम्हारी ऐसी तैसी भगा लो, अब भागेंगे भाई साहब देखो। ओ भाई तुम्हारी ऐसी तैसी भाई, ये ट्रक वाला गया भाई इसकी ऐसी की तैसी, रुको 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 तेरी भैंस टांग, रुको रुको इसकी ऐसी की तैसी, इसको भाई चलाना नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तेरी भैंस टांग भगा ले इस ट्रक को या तो भूत बना दूंगा, रुको 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 इसको ना मार के, रुको रुको ये ना ये नहीं बचेगा भाई, तेरी भैंस की टांग निकल यहाँ से। मतलब भाई इसको पता भी है कितनी महंगी ये लैम्बोर्गिनी है और आते ठोक दी भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या सीन रखा है। ओके तो अभी यार यहाँ से निकलते हैं और मेरे को जो फ्रैंकलिन लोकेशन देना वहाँ पर चलते हैं। ओके तो जैसे कि आप लोग सामने तरफ देख पा रहे हो यार मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते ज़्यादा सीधा वही लोकेशन पे जो मेरे को अभी फ्रैंकलिन ने बताई है। तो यार फ्रैंकलिन मुझे लग रहा है कि यार जो ये जो फ्रैंकलिन है दोस्त है ना, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अमीर है और ये फ्रैंकलिन को नीचा दिखाने के लिए इसको अपनी पार्टी में बुला रहा था। तो फ्रैंकलिन तो गया नहीं, लेकिन यार हमको भेज यहाँ पर, और फ्रैंकलिन ने कहा है कि अगर तुमको जो भी किया तुम जाके देखो कि क्या सीन है क्या नहीं है। और कहीं सर आप लोग देख पा रहे मतलब अपनी गाड़ी कितनी ज़्यादा यहाँ पर गंदी हो चुकी है, तो एक बार मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क करता हूँ। ओ भाई ओके ओके तो मुझे लग रहा है ये तो पार्किंग एरिया नहीं लग रहा मेरे को, तो मेरे को एक मिनट पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा। ओके ओके तो यहाँ से आगे तरफ लेता हूँ मैं, अरे भाई साहब यहाँ पर तो सारी की सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मैं अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करूँ यार, मेरे को लग रहा है मुझे आगे की तरफ पार्क करनी पड़ेगी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक मिनट के लिए, क्योंकि यार यहाँ पर तो मेरे को कोई नहीं दिख रहा। और भाई साहब आप लोग यार सिक्योरिटी देख पा रहे हो, कितनी ज़्यादा तगड़ी सिक्योरिटी है भाई, सारे में तो इन्होंने अपने बंदे भर रखे हैं। ओ भाई साहब गाड़ी देखो कितनी ज़्यादा तगड़ी है, और गाइस यार सिक्योरिटी की भाई यार काफ़ी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी यहाँ पर। तो एक बार मैं आगे चल के देखता हूँ और देखते क्या सीन है भाई, कहाँ चल रही है पार्टी वार्टी। और गाइस यार गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हैं भाई, अगर इन गाड़ी को हमने चुरा लिया तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमारा फायदा होने वाला है, क्योंकि यार अगर ये गाड़ी चुरा ली हमने हमारे शोरूम के लिए भी थोड़ी बहुत गाड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। और यार अभी माइकल के पास इतना पैसा भी नहीं कि यार शोरूम खरीद पाए। तो ओके तो मैं अभी जल्दी से आगे की तरफ चल के देखता हूँ और देखता हूँ क्या सीन है भाई, पार्टी वार्टी चल कर रही है। ओके ओके तो मुझे लग रहा है यहीं पार्टी चल रही है भाई यहाँ पर। तो ओके तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो सामने की तरफ नाच गाना हो रहा है, फुल टू फुल बियर दारू चल रही है। ओके ओ भाई साहब ओके ओके तो मैं थोड़ा सा आगे तरफ निकलता हूँ वहाँ से और देखते क्या सीन है, बाकी तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर। ओके ओके तो दबा के यहाँ पर पार्टी तो चल रही है और नाच गाना भी हो रहा है, लेकिन अभी तक मेरे को ये वो बंदा नहीं दिख रहा जिसको यार जो फ्रैंकलिन का दोस्त है। यहाँ पर सब लोग मतलब सुट्टा मार रहे हैं, मतलब तगड़े वाले नशे कर रहे हैं। ओके तो यहाँ पर तो मेरे को कहीं पर भी नहीं दिख रहा, और यार पार्टी है ना जो बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है यहाँ पर, भाई साहब ये गए भाई अब। तो गाइस मैं अभी जल्दी से यहाँ से आगे तरफ निकलता हूँ। ओके तो जैसा कि आप लोग सामने तरफ देख पा रहे हो यार मुझे यही बंदा लग रहा है,
ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मतलब मुझे लग रहा है ये अपनी वाइफ के साथ भी आया हुआ है। और सोफे पे देखो, मतलब कितने ज़्यादा मजे से बैठा हुआ है। तो मुझे लग रहा है यही है वो बंदा। ओके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस, जरा अभी जल्दी से ना गाइस, यहाँ पे ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है, तो मेरे को एक बार फ्रैंकलिन के पास कॉल करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए, तेरे दोस्त को मार दें या छोड़ दें। और यहाँ पर जो गाड़ी है ना भाई साहब, मेरा तो मन कर रहा है सारी की सारी गाड़ियों को लेकर चला जाऊँ। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा तगड़ी हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्त हैं गाड़ियाँ। ओके, आप लोग देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा तगड़ी है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब रिच अमीर लोग आए हुए हैं। और भाई रेड कलर की गाड़ी कौन सी है भाई, ऊपर से तगड़ी है भाई बहुत ही ज़्यादा। और ये बीच वाली तो मेरे को पता है बुकाटी है, और वो वाली भी मैं भी पता नहीं कौन सी है, तो यार एक ही नाम पता है मेरे को बुकाटी। तो अभी जल्दी से मैं यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, और पहले तो यार फ्रैंकलिन के पास कॉल करना पड़ेगा। और अपनी गाड़ी कितनी ज़्यादा गंदी, यहाँ से अपनी गाड़ी को मैं पहले लेके निकलता हूँ आगे की तरफ। ओ भाई, अब भाई चिल्ला क्यों रहे हो भाई, मैंने तो कुछ करा भी नहीं अभी तक। ओके वैसे तो यहाँ से मैं आगे तरफ निकलता हूँ, और एक बार मैं फ्रैंकलिन के पास कॉल करता हूँ, पूछता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार उसका दोस्त है, हमको हमारा कोई मतलब नहीं है। ओके, तो मैं एक बार जल्दी से उसके दोस्त को कॉल करता हूँ, यहाँ पर एक बार मैं कॉल करता हूँ जल्दी से। वैसे यहाँ पर फ्रैंकलिन की मेरे से बात हो चुकी है, फ्रैंकलिन कह रहा है कि जो उसका दोस्त है ना, उसको बुरी तरीके से मार के पकड़ के उसके पास ले आओ, क्योंकि यार अभी यार जो फ्रैंकलिन है वो यहाँ पर तो नहीं है। और अभी यार जो फ्रैंकलिन है वो मतलब लॉस सैंटोस से काफ़ी ज़्यादा अलग सिटी में है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आने में टाइम लग सकता है। तो वैसे यहाँ पर है ना उसके दोस्त को एक काम करते हैं, सारे जो गार्ड्स हैं उनको मारते हैं पहले, तो उसका जो दोस्त है ना उसको पकड़ के लेके जाएंगे फ्रैंकलिन के पास। और सारी गाड़ियाँ ना वो भाई हो सकती हैं अपनी सारी जितनी भी है, तो कैसे पहले मैं देखना पड़ेगा। ओके, तो मैं एक बार ऊपर की तरफ यहाँ चढ़ के देखूँ क्या, मतलब यार सारी यहाँ से निशाने लगाने के ट्राई करूँ क्या, क्योंकि यार यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है, और भाई ये सिक्योरिटी ऐसे नहीं जाने वाली। और भाई साहब ये इतने चौड़ में कैसे खड़ा है भाई, बीच रोड मतलब बीच में तो नहीं खड़ा, लेकिन भाई साहब चौड़ में खड़ा होकर फ़ोन बात कर रहा है, अब हट जाए तो कोई बात नहीं। तो यार मैं ना एक बार आग की तरफ यहाँ से निकलता हूँ, और देखना पड़ेगा क्या सीन है क्या नहीं है। ओके, तो मैं एक मिनट है ना, मैं ऊपर की तरफ यहाँ से अपनी गाड़ी को लेकर चलता हूँ, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा तगड़ा व्यू आ रहा है। ओके, वो तो यहीं पर छोड़ देते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर किधर है भाई स्नाइपर अपनी, इनकी ना दही नाप देंगे, इनका मुंह तोड़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। रुको, तो बंदा है ना, इसने फ्रैंकलिन को नीचे दिखाने के लिए बुलाया होगा कि यार कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और ये फ्रैंकलिन नीचे ही रह गया, क्योंकि इसकी है इनकी ऐसी की तरह। और गाइस सर आप लोग देख पा रहे हो, तुम्हारी भैंस की टांग निकले यहाँ से। ओ भाई ये बंदा गया, ओके ओ भाई इन्होंने देख लिया भाई मेरे को, इसको नहीं पता चला तेरी ऐसी तरह से तू भी निकले यहाँ से। ओके, तो ऊपर वाले सारे बंदे में ना तेरी ऐसी तरह से निकले यहाँ से। तो कैसे सारे के सारे जितने भी ऊपर बंदे हैं ना, तो ऊपर वाले बंदों को मैं निपटा देता हूँ। ओ भाई तेरी भैंस की टांग, ओके तो ये तो मिस हो गया, ये मिस नहीं होगा अब, तो ये भी गया, तेरी भैंस की टांग निकले यहाँ से। तो गाइस सर ऊपर के सारे बंदे तो निपटा दिए, तुम्हारी भैंस की टांग अब नीचे की तरफ चलना पड़ेगा, इनकी ऐसी तरह से मारो। गाइस सर अब जल्दी से नीचे की तरफ चलते हैं, ओके नीचे की तरफ जल्दी से लेते हैं, और अब नीचे जाकर अटैक करके भाई। ओबे तेरी भैंस की टांग, रुक गाड़ी में कुछ नहीं होना चाहिए। ओ भाई तुम्हारी ऐसी तरह से निकले यहाँ से, इनकी ऐसी की तैसी। तो गाइस सर अब है ना, अब होगा मौत का तांडा मछली वाला, अब इन्होंने भाई साहब खुंदक दिला दी। रुको अब होगा भाई, रुको तुम्हारी भैंस की टांग। ओबे भाई बहुत बंदे हैं भाई, ऐसे तो मर जाएंगे यार। रुको तुम्हारी ऐसी कौन सा बंदा है, तेरी ऐसी कैसे निकल यहाँ से, तुम्हारी भैंस की टांग। जितने भी नेता बन रहे ना, इनको नेता बनने का निकलता हूँ भाई। अनलिमिटेड गोलियाँ पड़ रही है भाई, अनंत गोलियाँ पड़ रही है, ऐसे तो मर जाएगा। तेरी ऐसी कैसे कहाँ भग रहा है, निकल यहाँ से तू भी। ओके, तो एक बंदा हो रहा तू भी निकल यहाँ से। तो कैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा सीन हो गया भाई। तो एक बंदा भाई कहाँ से भग के आ रहे भाई। तो कैसे यार ये भी गया और ये भी गया। ओके एक बार रिलोड होने दो, तब तुम्हारा कुत्ता बनाता हूँ। ओके तो तेरी भैंस की टांग निकल यहाँ से। ओके तो ये बंदा भी गया। अबे भाई क्या सीन है भाई, इतने सारे बंदे। ओ भाई अबे भाई साहब तुम्हारी भैंस की टांग, इतने सारे बंदे आ चुके। रुको ये ऐसे नहीं मारेंगे भाई, और ये सीधे भाई बहुत बंदे आ गए, इनकी ऐसी तरह भाई साहब छत पे भी चढ़ के आ रहे हैं, और अनलिमिटेड गोलियां पड़ रही हैं यहाँ पर, तो मैंने अनंत तरीके से गोलियां पड़ रही हैं। तुम्हारी ऐसी तरह से भाग जाओ सारे के सारे यहाँ से। ओके तो भाई साहब तुम्हारा चौड़ा हो रहा है। रुको मैं वहीं पर आ रहा हूँ, बेमतलब की बदमाश बन रहे हैं मतलब ये। तेरी ऐसी तैसी भाई साहब, इनसे ज़्यादा पैसे तो मेरे लिए काम कर लो, मैं तुमको दे दूंगा। ओके तेरी ऐसी तैसी निकल यहाँ से। तो भाई सर ये भी गया। ओ भाई और कौन है भाई, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी गोलियाँ पड़ रही थी। वैसे सर जो माइकल है ना, वो आर्मर पहन के आया था। तेरी भैंस की टांग निकल यहाँ से। ओके तो ये बंदा भी गया और ये भी गया। ओ भाई इसको तो गाड़ी वाले उड़ा के चला गया। तुम्हारी ऐसी तैसी गाड़ी वाड़ी भाई साहब, गाड़ी वाड़ी भगा लो फालतू। तेरी ऐसी की तैसी। ओके भाई सर ये, ओ भाई इतने सारे बंदे हैं सही में, इनकी रेल बना दी मैंने। ओके तो ओ भाई ऊपर की तरफ भी बंदे रह रहे हैं भाई। अबे भाई कितने बंदे हैं, और इन्होंने ना पूरा मतलब तुम्हारी ऐसी तेज गाड़ियों में कुछ नहीं होनी चाहिए, ये सारी की सारी गाड़ियाँ मेरी हैं। तुम्हारी भैंसी टांग निकल आ जाए। अब एक खचड़ा गाड़ी किसी ने खड़ी कर दी यहाँ पर, ला गए तेरी ऐसी की तेजी। ओके तुम्हारी भैंसी टांग कहाँ छुप रहा है भाई। ओ भाई
और भाई ये कौन है भाई, तेरी बेल्टा निकल ले हाजिर, मतलब भाई दिख नहीं रहा इसको बिल्कुल, पीछे से आकर ठोक दिया। ओके तो ये भी गया, इससे अब जो पता नहीं किधर की तरफ छुप रहा था। ओबे भाई इसमें गोली तो मारी थी अभी मैंने, और ये बच के था तेरी ऐसी की तैसी। ओके तो यार ये भी गया, कैसे जल्दी से अभी आगे की तरफ निकलता हूँ मैं ऐसे। ओ भाई तो यार यहाँ पर है ना काफ़ी सारी बुकाटी, इस बुकाटी का बम्पर ऊपर उठ चुका है। कौन बंदा मार रहा है तुम्हारी भैंसी टंग, एक बार सामने दिखो। और भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी कौन सा बंदा है चौड़ा हो रहा जो तुम्हारी ऐसी थोड़ी सारी की सारी गाड़ी। ओ भाई किसने गोली चलाई, किधर की तरफ है बंदा, किधर छुप रहा है भाई। अब भाई ये है किधर भाई साहब, एक बार दिखे तो सही इसका सर फाड़ देंगे। ओ भाई ऊपर की तरफ, रुक 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 तेरी ऐसी तैसी, निकल यहाँ से। एक शॉट में भाई साहब इसका सर फाड़ दिया हमने। ओके भाई सर तो ये तो गया, और पीछे की तरफ अभी जल्दी से चल के देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा था पीछे के सारे गार्ड्स यहाँ पर आ चुके थे, लेकिन अभी जल्दी से चल के देखना पड़ेगा कि कोई बंदे बचे अभी नहीं बचे, मुझे तो लग रहा है सब भाग होंगे। ओके तो यहाँ पर तुम्हारी भैंस। ओ भाई साहब, अबे वो बंदा किधर चला गया भाई। ओ भाई तुम्हारी ऐसी तैसी, अबे भाई साहब ये मतलब पता नहीं कौन थी। ओबे भाई यार ये बंदा किधर भाग गया, मतलब भाई साहब अपनी वाइफ को छोड़ के भाग गया। तुम्हारी ऐसी की तैसी नाचने में अब भी मगन हो रहे हैं, मतलब इनको देखो ये तीन बंदे जो नाचने मगन हो रहे हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मतलब भाई साहब जी उठने की जरूरत मत कर देना। ओके तो भाई यार फोड़ो इन सबको जितनी में ना। अबे यार ये क्या सीन हो गया भाई, अबे ये तो गलत सीन हो गया। और उसको ये ना पता चल गया कि यार ये सारा का सारा फ्रैंकलिन का करा धरा है यार, ना तो फ्रैंकलिन से और पंगे लेने लगेगा। भाई साहब जी वो भग किधर गया मेरे को समझ नहीं आ रहा। अबे यार पीछे के रास्ते से भग गया होगा। शिट मैन, अबे भाई साहब ये तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा सीन हो गया। तो यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार वो बंदा जो है वो कहाँ पर गया होगा। तुम्हारी भैंस ना फोड़ो इन बोतलों को। ओ भाई किसी और ने भी गोली चलाई मेरे को, मुझे ऐसा लगा। तो इस जरा जल्दी से मैं यहाँ से निकलता हूँ भाई। तेरी भैंस ना ऊपर से बैठा बैठा इतने चौड़ा हो रहा है, तेरी ऐसी की तैसी उठने की जरूरत मत करती हो। ओके वैसे इसको तो मैंने मार दिया, अब भी जल्द से यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो यार मैं ना एक बार फ्रैंकलिन से कॉल करके बात करता हूँ, या फ्रैंकलिन किधर की तरफ है यार, इन गाड़ी को जल्द से जल्दी ले जाते हैं यहाँ पर। और भाई साहब पुलिस का तो नामो निशान नहीं यहाँ पर, क्योंकि यार भाई यार जगह ही ऐसी है कि पुलिस तो पता ही नहीं लगा पाएगी कहाँ से बंदे आ रहे कहाँ से नहीं आ रहे। ओके तो मैं जल्दी से बार ना फ्रैंकलिन से बात करता हूँ, और भाई अभी अगर वो आ चुका होगा तो अभी जल्दी से उससे बोलते हैं कि जल्दी से एक ट्रेलर लेके आ जा, और जल्दी से इनको लोड करा के निकलते हैं यहाँ से। वैसे तो मेरे यहाँ पर फ्रैंकलिन से तो बात हो चुकी है, फ्रैंकलिन कह रहा है कि अभी वो तो आउट ऑफ सिटी है, लेकिन उसको आने में कम से कम एक घंटा लगेगा। तो गाइस यार एक घंटा, ओ भाई अबे कौन है भाई, इनकी भैंस की टांग कौन है भाई, कहाँ से मार रहा भाई। तो सर अभी तो उसको आधा घंटा एक घंटा लग सकता है, आधे से एक घंटा लग सकता है। तो सर अभी जल्दी से मैं वेट करता हूँ, लेकिन यहाँ पर वेट नहीं करता, कहीं छुप के वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यार अभी यार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तगड़ा सीन हो चुका है। अभी यार मुझे लग रहा है कि वो यार अपने और गैंग के बंदे ना ले आए यहाँ पर अटैक करने के लिए माइकल के ऊपर। तो अभी जल्दी से मैं यहाँ से वेट करता हूँ, और फ्रैंकलिन का वेट करते हूँ, देखते क्या सीन होता है। आप लोग सामने तरफ देख पा रहे हो, यहाँ पर यार वेट करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक मेरे को फ्रैंकलिन का कोई आता पता नहीं है। पता नहीं यार फ्रैंकलिन किधर की तरफ है। ओ भाई ओके को तो सामने की तरफ आप देख पा रहे हो, ट्रक तो आ रहा है, लेकिन भाई साहब ये फ्रैंकलिन नहीं है क्या। ओके को भाई साहब कितना ज़्यादा बड़ा ट्रक लिया है भाई, आराम से फ्रैंकलिन, आराम से भाई, आराम से कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके को तो कोई बात नहीं फ्रैंकलिन, मैं वहाँ से उठा लूँगा। अब यार फ्रैंकलिन तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ट्रक लिया है यार, कोई बात नहीं अभी जल्दी से मैं यार फ्रैंकलिन से बात करता हूँ। ओके वैसे जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो यार, सारी गाड़ी तो हमने लोड करा दी, और फ्रैंकलिन भी आ चुका है लोड करा के। अब आप लोग देख पा रहे, मतलब यार जो लैम्बोर्गिनी अपनी लैम्बोर्गिनी है वो भी हमने यार ऊपर की तरफ ही लोड करा दी, क्योंकि यार अब उसको लेके कहाँ जाएंगे, और यार जगह भी थी यहाँ पर। और भाई साहब अभी है ना जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, और मेरी यार फ्रैंकलिन से बात हो चुकी है, फ्रैंकलिन कह रहा है कि यार सारी गाड़ी तो रख सकते हैं। ओ भाई तो भाई साहब आप लोग देख पा रहे, मतलब जो ये आगे वाला टायर है, जो बीच का टायर है, ये पूरा का पूरा एक सिक्योरिटी गार्ड पे चढ़ा हुआ है। तो भाई सर अभी जल्दी से मैं यहाँ से निकलता हूँ, इसलिए जल्दी से आके बैठ जा। ओ भाई यार बिल्कुल भी देरी नहीं करते यार, तो यार इनको रखने के लिए एक यार अपना शोरूम होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन यार अभी हमारे पास कोई शोरूम नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको कहाँ खड़ा करे जाए। तो यार अगर वो शोरूम यार सस्ते में दे देता तो भाई सर आज हमारे पास शोरूम होता। तो अभी जल्दी से मैं नीचे की तरफ निकालता हूँ। ओ भाई कितनी ज़्यादा लोडिंग दे रही है भाई ये गाड़ी, मतलब ये ट्रक। ओके ओके ओपे भाई हट जाओ भाई, ओपे मुझे लग रहा किसी की डेड बॉडी फंस गई, तो कोई बात नहीं। ओ भाई साहब यहाँ पर कितनी ज़्यादा मस्त सीन लग रहा है, और यहाँ पर हमने ना पूरी पूरी गाड़ी जो है, सारी गाड़ियाँ, मतलब अपन अब तो हरी सारी गाड़ियाँ जो है वो हमारी हो चुकी हैं। और यार ये जो ट्रक है ना काफ़ी ज़्यादा सही स्पीड में भाग रहा है, मतलब इन गाड़ियों को लोड करने के बाद भी। पता नहीं यार फ्रैंकलिन कहाँ से लाया है ट्रक, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मुझे तो पता भी नहीं था, मतलब यार फ्रैंकलिन के पास ये ट्रक हो भी सकता, नहीं हो सकता। ओके
तो यहाँ पर अभी गिरने को ही हो रहा था, बट अभी कोई बात नहीं। तो कैसे मुझे लग रहा है ना, अब ये सारी सारी जो जितने भी गाड़ियाँ ना, ये मतलब माइकल के घर के बाहर ही खड़ी करनी पड़ेगी। और गाइस यार अभी यार देखना पड़ेगा कि हम यार कैसे अपना खुद का शोरूम खरीद सकते हैं। तो यार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यार वो वाला जो शोरूम हमने आज दिखाए थे, ये वो खरीदना चाहिए या कोई और देखना चाहिए सस्ता सा, यार अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो गाइस यार अभी जल्द से मैं ऐसे निकलता हूँ, मुझे लग रहा है यार कि कोई और उससे भी अच्छा देखते हैं कोई। अभी यार हमको ना काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा थोड़ी बहुत चोरियाँ वोरियाँ करनी पड़ेंगी, और यार थोड़ा बहुत अपना बिजनेस अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि यार माइकल के पास इतना सा मतलब पैसे तो है, $150 मिलियन है, लेकिन इतना नहीं है कि यार अपना खुद का शोरूम यहाँ पर खोल पाए। ओके तो यहाँ पर गाड़ी तो चुरा ली, लेकिन यार शोरूम नहीं चुरा सकते। ओके तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वैसे मैं जल्द से मैं यहाँ से निकलता हूँ, और पहले तो सीधा मैं फ्रैंकलिन माइकल के घर पे निकलता हूँ। और यार इतना ट्रैफिक कैसे लगा रखा हुआ है इन्होंने, इनकी ऐसी जैसे ये पिटेंगे और कुछ नहीं भाई साहब। जब तक ये गोली नहीं चलती ना रोड पे, तब तक ये मानते नहीं है। और आप लोग ऊपर मतलब कितनी ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ हमारे ट्रेलर में जा रही हैं, मतलब सब लोग हैरान हो रहे होंगे कि यार ये सारी की सारी गाड़ियाँ जा कर रही हैं। ओके गाइस तो मैं जल्दी से वहाँ से निकलता हूँ माइकल के वहाँ पर। ओके तो जैसा कि आप लोग सामने तरफ देख पा रहे हो यार, मैं माइक अपने घर पे तो पहुँच चुका हूँ। ओके तो यहाँ से अपने को सीधा लेफ्ट की तरफ लेना है। ओके तो यार मैं इन गाड़ियों को लगाऊँ कहाँ भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओके तो वैसे तो मुझे लग रहा बाहर की तरफ ही खड़ा कर देते हैं। ओ भाई तो यार मुझे लग रहा है कुछ देर के लिए यहीं पर खड़ा कर देते हैं। और यार पहले यार मेरे को है ना एक शोरूम या कुछ और देखना पड़ेगा, तो एक मिनट के लिए यहाँ पर पार्क कर देते हैं। ओके तो वैसे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और भाई साहब जी अपने घर के बाहर खड़े हो गए, ये क्या सुट्टा वुट्टा मार रहे हैं, तुम्हारी भैंस टांग निकल जाए यहाँ से, ये तो भूत बना दूंगा। ओके तो चुपचाप निकल जाए भाई साहब जी, घर के सामने खड़े हो गए सुट्टा वुट्टा मार जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि यार वो जो शोरूम में खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। ओके तो वैसे तो कोई बात नहीं। तो कैसे आई थिंक आज की वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं। आई वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।